देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अनुराग सिंह जी कहाँ बाड़न? का काम बाप के उन कैसे? हमनी के उनसे एडवांस वापस लेवे के बा। देखी एकरा में साफ साफ लिखल बा कि कोनो एक्सीडेंट या दुर्घटना होवे के स्थिति में प्रोजेक्ट पूरा करे खातिर 30 दिन एक्स्ट्रा मिली। कुछ कहो बाकी पढ़ल लिखल तब भी आही सब कानून जाने ले। प्रोजेक्ट के काम सृष्टि संभाल। अरे तारा के करल बा काम संभाले खातिर? अत्तू बस जे मिस्टर जी तारा के कहिए वो हमरा के बता दिया, बाकी हम संभाल ले बागे। हाँ ठीक बा, ये प्रोजेक्ट के जिम्मेदारी हमार बा। आप चिंता मत करी, आई विल हैंडल इट। ठीक बा, थैंक यू। तब बहुत हंसी छूट रहा बताहार। हाँ चुटकुला बाजी चला तक आई यहाँ पर रागनी का तरीका बात करेंगे। आप मिस्टर जी वो हम इनका ही समझा रहा अलबानी की सारा हंसी ऐजे निकाल दी है तो फिर साइड पे हंसी खुशी काम कैसे होगी? हाँ थोड़ा सा हंसी बचा के रखिए तबे ना साइड पे हंसी है। हाँ भाई साहब थोड़ा हंसी बचा के रखा अपन। हाँ पेपर्स हरे भौजी का बनल बा नाश्ता में भाई, कुछ खिलाई हमरा के भी ना। हाँ आए देवर जी बैठी। अरे तो हम के आगे काहे कहलू, हमसे ही काम ना हो पाई। अरे तरह के करल बा काम करे खातिर, काम हम करब तरह बस आगे रखब। तू मिस्टर जी जे बोली है वो सुनिया और हमरा आके बतैया, तरह कुछ करे के जरूरत नहीं कि हम निपटा ले सारा लेकिन काम के। कैसे कौन सा नया दंगल करे जा रहा बाड़ो घर में? इजे बा ना ठेकेदारी की काम बा, कोनो छोटा मोटा काम नहीं खे। ऐसे आपन होशियारी दिखाई बंद करा, तू लोग ना संभाल पाई भी सब समझ लू। एक कॉन्ट्रैक्ट के विशु जी संभाली है, उता संभाल सके ले ना। अरे लेकिन विशु तो अभी तू छोड़ा ना पुआ, ये लोग ना संभाले केहू और संभाली है। काम कोनो रुकेला थोड़ी ना हो जाए। देख रहल बिया दुलरिया दोनों जबानी ई घर में जमे कि कैसन कैसन चाल चल रहल बानी, लेकिन ई दोनों की चाल ना हम कामयाब ना होके देव। देख लिया तू हे दुर्गा माँ, हमार व्रत पूरा करे के शक्ति दे या। विशु जी हमार बात ता सुनी। का हो गई शिष्य जी? कॉकरोच कहीं हमारी साड़ी में तला आ गई। हे भगवान एकदम में अनर्थ हो गई, का हो रहा बा, हम का देखत बानी यार। राम राम राम। ए पुआ देवर जी, आज तो हम विशु के साइट पे जाए खातिर कह देले बानी। अरे कम से कम दिन भर बाहर रही तो वो कानून वाली के चंगुल से ना बच के रही। जब आंखें ना मिली तो दिल कैसे एक होई? बाकी ना ए फुआ।
अरे सब बर्बाद हो गई, अब अपना आँख से देख के आरल बानी दोनों के अंचार हो गई। अरे बाबा के सब प्लानिंग में फेल हो गई। हमके तो बहुत डर लग रहा है, तो हर बुढ़ापा एकदम तकलीफ में कटी हम बता रहे। क्या बकवास कर रहा है? चलो देखा जाए देवर जी। हाँ आवा सॉरी, हमके कॉकरोच से बहुत डर लगत रहा। ऐसे हमार बेटा के साथ नागिन की तरह लिपटल रहलू। बहुत अच्छा से जानी ले कि तोके इस सब चीज से डर ना लागेला। जानबूझ के हमार बेटा के उपवास तोड़वाले बाड़ू तू। हम कुछ भी जानबूझ के ना कहले बानी। वो तो तू ही जाने लू कि तू इस सब काहे कहलू हा। हम तो तू दोनों के भला सोच के ये उपवास रखवाले रहनी, लेकिन तो से तो वो ना देखल गयी। अस्तन फिजूल के बात से ना केहू के भी भला ना होखे वाला बा। प्लीज अब आप दोनों बानी ना ये लड़ाई बंद करी। माँ आप ना चिंता मत करी, हमके पता बा कि हमके आपन व्रत पूरा करे के बा, और ओकरा पूरा करे के जिम्मेदारी हमरा पे बा। हम कर ले, और कैसे करे के बा एकरा बारे में बा ना हम सोच ले बानी। विशु अब मिल गई तोहर कलेजा के ठंडक। तू ही बेड पे का करता रू, तोहर हिम्मत कैसे भैली यहाँ वेके। यू नो ना आई हेट यू। कल रात के तैसन लागल जैसे मिस्टर जी की यादाश्त वापस आ गई होके। कितना नफरत रहे उनकर आंख में हमरा खातिर, अब रहे तो रहे ओमे हम का कर सकेनी। हम तो यही मान रालवानी की कुछ भी करके इनकर याददाश्त वापस आ जाए और हम अपन घर वापस चल जाए। अरे अरे मिस्टर जी आराम से, हम खिलावता नहीं आपके, रुकी आप भी ना। एगो बात पूछी तरह से। एक आप दो ही तीन बात पूछी हमरा से। जोन विशु बा एकरा के कुछ प्रॉब्लम बा का? आप हाँ मिस्टर जी, वो ना वो थोड़ा स्लो बाड़े, लेकिन ना वो कलाकारी में बहुत आगे बढ़े। वो मशीन उसीन के काम ना होकेला, पंखा उंखा भी बनाते वेले वो। पर आप ही काहे पूछ रहल बानी? हमार मतलब ये बा के सृष्टि जी इतना समझदार बाड़ी, पढ़ल लिखल बाड़ी, ये सब होके के बावजूद वो विशु से शादी काहे करी? अब मिस्टर जी वो का बा की कैसे की, अब ये सब हमरा ना मालूम बा। हाँ लेकिन दोनों पति पत्नी बाड़े ना, ये बात सोलाना सच बा। How strange यार, दोनों ऐसे बेमेल जोड़ी के कैसे निभावता रहे? अब मिस्टर जी अगर आप मेल के हिसाब से अगर देखे लागब ना, तो ये दुनिया के 10 में से ना 8 शादी तो यूं ही टूट जाए। पति और पत्नी में ना प्रेम होखल बहुत जरूरी बा। जब प्रेम होखे लाना तो ई मेल बेमेल सब सब ठीक हो जाला। और देवर जी और सृष्टि के बीच में ना बहुत प्रेम बा। लेकिन ऐसन भी कैसन प्यार के आपके सामने वाला के कोनो बुराई ही नजर नहीं खियावत हो? अब मिस्टर जी हम आपके जितना पढ़ल लिखल तो नहीं की, लेकिन एक बात जरूर जानी नहीं कि जब प्रेम हो खेला ना तो कमी भी खूबी लागे लागेला। विशु ये का करेला? हाय देखा कह के गई रहने के हम उपाय ढूंढे जा रहे बन का ही लुका छुपी खेल रहल बानी। विशु जी संभल के रहे दा तू, हम संभाल ले विशु के। ये कहा भैया करिया कपड़ा बांध के घूम रहल बड़ा तू? विशु ये कहा बेटा, काहे आंख पे पट्टी बांध के घूम रहल बड़ा? हां मां हमके ना हूं दादी के सुनावल ऊ महाभारत के कहानी याद आ गेल रहे, हम सोचनी कि हम भी आजमा लेता नहीं। महाभारत में ता राम लक्ष्मण ना हो खेला? ओहो दो चुटिया वाली दुलारी दीदी आप ना बकलोल बानी। राम और लक्ष्मण ना रामायण के कहानी में रहे, महाभारत के कहानी में पांडव और कौरव रहले। हाँ
और कौरव के माँ गांधारी जी ने अपन आँख पे ऐसे ही पट्टी बांध के रख ले रही अपन पति के खातिर, जैसे हम बन ले बानी, समझ ली आप? हम तो समझ ली, बाकी अपन पति खातिर ना बांध ले रहे, तू तो जब गांधारी जी अपन पति खातिर बांध सकेली तक हम अपन पत्नी के खातिर ना बांध सकेली। माँ आप बताई हम ठीक कहीं ना, अब बाबा जी के उपाय भी पूरा हो जाए और केहू के परेशानी भी ना हुई। बेटा तू एकदम में ठीक कहला हाँ, भगवान करे तोहार सारा इच्छा पूरा होके। दुलरिया विशु के ना अपन कमरा में ले जा और बादाम के हलवा खिला दिया हाँ, और सारा हलवा खिला दिया एक हाँ। हाँ, जा चला विशु बाबू का नया नया तमाशा करत रहेला आई आँख पे पट्टी ना काहेला बांध ले ले बारे चला। अरे हम जैसे लेके चल रहे बानू ऐसे ना चला। अरे कहाँ ले जाए चाहता नहीं आप, कैसन बेशरम औरत बाड़ू तू, तोरे वजह से ना वो आँख पर पट्टी बांध के घूमी। पट्टी तो आप आज देख ले बानी, लेकिन आप अपन फायदा खातिर उनका आँख पे ना जाने कब से पट्टी बांध ले बानी। फायदा क्यों उठा रहल बा तो दिखाइए दे रहल बा, बाकी बहुत दिन तक ये सब चली ना। 6 महीना सिर्फ 6 महीना बाना एकरा पास देवर जी, अपन रिश्ता के जोड़ के रखे के, ओकरे बाद जय सियाराम। ससुराई तो हमरा सारा दवाई ना एक ही जैसन दिखेला, कन्फ्यूजिया जाए नी हम। अरे सृष्टि जी आई ना, प्लीज कम हियर। आप हमरा के सृष्टि बुला सके ले जैसे पहले बुलावत रहे, जी लगावे की जरूरत नहीं थे। हमके तो याद भी ना बा कि हम पहले केकरा कैसे बुलावत रहनी, तो आई एम रियली सॉरी। कोनो बात ना, थोड़े दिन में आपके सब कुछ याद आ जाए। रागनी आपके बहुत अच्छा से ख्याल रख दिया, ताप के तो ठीक होके के ही बा। अब हाँ वो तो ठीक बा, लेकिन हमके तो अभी याद नहीं थी के रागनी और हम पहले कैसे रहत रहे। हाँ अब मिस्टर जी आप अपन दिमाग में ना इतना जोर मत डाली हाँ, और डॉक्टर आराम करे खातिर कहले बाड़े ना आपके, आप आराम करी हाँ। सृष्टि कोनो काम बात बाहर चल के बात करी हूँ, मिस्टर जी के सूते के टाइम हो गए बा हाँ। चला चली आराम करी आप। सृष्टि आई वांट टू थैंक यू। काहे खातिर? आप हमारा आई मीन तू हमरा कहे पे कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट संभालू, दैट्स रियली ग्रेट ऑफ यू, थैंक यू सो मच। अनुराग जी हम तक काम में खाली आपके मदद कर लिया ही, लेकिन असली काम तो रागनी कर ली बिया। दैट्स रियली काइंड ऑफ यू सृष्टि, लेकिन रागिनी तो गांव के सीधा साधा लिखी बड़ी, ओकरा ही सब के नॉलेज नहीं है, बट आई एम श्योर तारा साथे रही तो काफी कुछ सीख जाई। जी चली चलल जाए, गुड नाइट। गुड नाइट। का पगला वगला गेल बाड़ू का, इतना भी का हंस रहल बाड़ू, कुछ बोल बू। तू और गांव के सीधा साधा लड़की एकरा से बड़ा जोक हम आज तक ना सुनले आई। अरे अब मिस्टर जी तो वही बोली है ना जे हम उनका के बताई, थोड़ी ना हम उनका बतेले बानी कि हम कहा बानी और काका कांड करके बैठल बानी। हम समझ सके नी, वैसे भी हम तोहरे पास कॉन्ट्रैक्ट के फाइल लेवे आल रहनी, एक बार फाइल के अच्छे से पढ़ ले तब बेहतर हेल्प कर पाई। ए तू पढ़ल लिखल लोगन के इहे प्रॉब्लम हो खेला ना का, ससुरा बिना पढ़े कोनो काम में हाथ ना डालेला ना। अरे ठेकेदारी के काम बा इतहर, कागज पत्तर के काम ना आवेला, अनुभव ताकत उ काम आवेला। अच्छा फिर भी तरह पढ़े के बाद तो सवेरे लाके दे दे फाइल, चाट लिया ओक रखे। ठीक बा, ओके माय डियर पार्टनर। कहा बोलू तू पार्टनर, हम तो हर पार्टनर कैसे हो गए नी। अब देखा अब हम दोनों एक साथ पहला वेंचर पर काम कर रहे बानी तो तू हमारे पार्टनर भैलू ना। अच्छा ऐसे पकड़ रहा बाड़ू तू, तो फिर ऐसे था ना ये हमारे पहला वेंचर नहीं खे, दूसरा वेंचर बा। पहला वेंचर पता बका रहे का?
देवर जी के बचाइल और तोहर माथा पे जो कलंक लागल रहे ओकरा हटाइल, समझलू? यस यू आर राइट, लेकिन वो वेंचर कम और एडवेंचर ज्यादा रहे। का ज्यादा रहे? कुछ ना, चल अब अपन पार्टनर से हाथ मिलावा और गुड नाइट बोला। तोहर अंग्रेजी सब न ससुरा हमरा समझे में ना आवे, ई का कर रहल बाड़ू? आराम से, तू तो एकदम फूल कुमारी बाड़ू। और तू बहुत स्ट्रांग बाड़ू, चल वापस से करा प्यार से। ई और अब ठीक बा? ठीक बा, गुड नाइट। गुड नाइट। विशु जी, आपके घर वाला जे समझे, लेकिन एक दिन हम आपके आंख से ये अंधविश्वास की पट्टी जरूर उतारब। हम आपके बेकार के व्रत से बिल्कुल एग्री ना करेनी, लेकिन आपके डेडिकेशन की मान जरूर रखब। परेशान मत होई हा, हम पट्टी उतारत वक्त आपके चेहरा ना देख ले रहनी। परेशान मत होई हा, हम पट्टी उतारते वक्त आपके चेहरा ना देख ले रहनी। शायद मिस्टर जी के सर्दी लग रहल बा। जैसे हमार और हमार रिश्ता की सच्चाई आपके सामने आई, आप फिर से हमरा से दूर चल जाई।
रागनी काम शुरू करे खातिर कम से कम 20 लाख रुपए के जरूरत बा। हमार ख्याल से पहले बिल्डर से पैसा मांगे के चाहिए। शुरू शुरू के काम बना सृष्टि, केहू पैसा ना देवेला, खुद से पैसा लगावे के पड़ेला। लेकिन इतना पैसा कहाँ से आई? तू ओकर चिंता मत करा, वो हम अपन बाबूजी से पैसा मांग ले भी ठीक रही ना। ना रागनी, ये बिल्कुल भी सही ना होखे, और अनुराग जी के भी अच्छा ना लगी। तू तो जाने लो ना, ये बात पे पहले भी हंगामा हो चुकल बा। अरे तो उनका कैसे पता चली? जब उनका ये बात के खबर ही ना होके देव तो उनका कैसे बुरा लगी? अनुराग जी से छुपावल भी अच्छा बात ना होखी। ठीक बात है, फिर कुछ और सोचल जाए। अब तारा हम कहा बताएं कि हम मिस्टर जी से कहा छुपाइल बैठल बानी। 8, 9, 10, 11, 12, 13 अब 14, 15 अब सीढ़ी शुरू। 16, 17, 18, 19 अब सीढ़ी खत्म हो गई। यहाँ से दरवाजा तक के 1 कदम, 2 कदम। अरे देवर जी, का पकड़म पकड़ाई खेल रहल बानी, आँख में पट्टी बांध के। ना भाभी, अब खेले के समय तो बीत गई बा, ये पट्टी तो मजबूरी में बंधले बानी। अब विशु जी, आप ये पट्टी कब तक बांध के रखब? सृष्टि जी, अभी हम साइड पे जाता नहीं ना, वहाँ तो आप होखब ना, तो वहाँ जाके निकाल दे। ठीक बा? ठीक बा, आप मन लगा के काम करिया, हम ऑफिस ना आए। इतना अच्छा बात बा, चली चलल जाए। जब तक कोनो जरूरी काम ना होखी, हम ऑफिस ना आए। ठीक बा। 21, 22, 23, 24, 25 अरे हाँ, तोरा के एक चीज बतावल भूल गई नी, कॉन्ट्रैक्ट के फाइल के साथ अकाउंट डिटेल्स भी होखी, शायद उमें पैसा से रिलेटेड कुछ मिल जावे, हम वापस चेक कर लेत बानी। अरे एकरा में तो चेक बुक बा, एकरा मतलब बिल्डर ऑलरेडी पैसा दे देले बा। अच्छा सुना, तू इस चेक बुक पे अनुराग जी के सिग्नेचर ले आई है, तो हम इस चेक बुक के लेके गुड़ के खीर के लेके ऑफिस चल जाए। ला ऑफिस? पर अभी तो तू कहत रहलू कि जब तक जरूरी काम ना होगी तब तक तू ऑफिस ना जाए। पू एक वाइफ खातिर अपन हस्बैंड से मिले से ज्यादा जरूरी और कोनो काम होखे लाका? चला चला तनी, तोरा से बाद में बात करते। पर तू तो वादा कैले बाड़ू ना देवर जी से कि ना जेबू। लेकिन हम एगो और वादा कैले रहनी, अपन और विशु जी के रिश्ता के सच्चे मन से निभावे के, और ई वादा बाकी सारा वादा से ज्यादा जरूरी बा। बहुत अच्छा का बात बा, लेकिन सासू माँ के रहते हमके ना लागत बा कि हम ये वादा आसानी से निभा पाए। अब प्यार के रास्ता में रोड़ा ना आवे तो फिर प्यार कैसन? अब बताई विशु बाबू, उनके जैसा आदमी इतना प्यार करे वाला निकलिया, इतना हमरा के मालूम ना रहे। फुआ, वो देख रहल बाड़ू कैसे वो कानून वाले के पीछे आँख पे पट्टी बांध के घूम रहल बाड़े। हाय बाप, हम तो ना देखले रहनी आज तक ऐसन। एकदम में सही कह रहल बाड़ू दुलरिया, जल्द से जल्द ना ये कानून वाले के यहाँ से भगावे के होखे, ना तो ये हमार विशु के जेबा वो अपन वश में कर ली। एफ वो अब कौन कर्म रह गई बा वश में करे के? हमके तो एकदम में यकीन बा, तो के नजर ना आवता की कैसे वश में कैले बाई, पंडितों के कोनो टोना टोटका ना काम कर रहल बा। इहो तू एकदम में सही कह रहल बाड़ू दुलरिया, ये दोनों के जितना हम दूर करने की कोशिश करी लेना, ये दोनों उतना ही नजदीक आ जाले, ओकरे चक्कर में तो हमार बिटवा आग पर पट्टी बांध के घूम रहल बाड़े पूरा घर में। हमके तो ये समझ में ना आ रहल बा कि ऐसा कौन सा पासा फेंकी जिकरा से विशु और सृष्टि जेबा हमेशा हमेशा खातिर अलग हो जाए। विशु और सृष्टि तो हस्बैंड वाइफ बाड़े ना, तो फिर ये दोनों को कहीं अलग करे चाहता रही। अफुआ आई मरचा, अब आई सुखावा ना, ये ना सुखावे आयल रहलू। अरे हमार तकलीफ तोरा के बतावे के तो कोनो फायदा ही नहीं खे, अब मरचा सुखावे खातिर आयल बाड़ू, ये है काम बाकी रह गई हमार, जे काम बा ऊ तो हमरा से होखत नहीं खे। इता खुद के हमार और विशु के माँ कहेली ना, तो फिर ऐसा काहे कहे चाहता है, कहीं हमार स्टेप मदर तो नहीं खी?
हमारे हिसाब कर करके ना दिमाग खराब हो गेल बा। अभी अकाउंट्स के काम हम बाद में करब। अनुराग भैया के घड़ी, चला खोल के देख ली कि में कौन मशीन यूज हो खेला। सृष्टि जी आप यहाँ? बहुत जरूरी काम रहे, यही खातिर आई बानी। हम गुड़ के खीर बनाई ले रहनी तो सोचने आपके खातिर यहाँ ले आई। सृष्टि जी आपके मालूम बना हमरा व्रत के बारे में? हमार पट्टी कहाँ गिल? ऐजे तो रखल रहे। अब ठीक बा। अभी ठीक ना बा? सृष्टि जी आपके मालूम बा ना कि अनुराग भैया के तबियत खराब होके के वजह से तारा जिम्मेदारी हमरा ऊपर आ गेल बा और हम ही जिम्मेदारी निभावे भी चाहता नहीं, लेकिन आप हमके ऐसे रोकब तो फिर कैसे चली? का आप ना चाह ली कि हम काबिल बनी? सॉरी विशु जी, हम चाहत बने कि आप कामयाब बने और हम उकरा में आपका पूरा साथ भी दे, लेकिन आपके वादा करे की होगी कि आप एक खीर खाई है। आई चली मैडम जी, वो हमरा के आपसे पेमेंट के बारे में कुछ बात करे के रहे। हाँ तो करी ना। मैडम जी कुछ दिन से दिहाड़ी मजदूरन के पेमेंट नहीं खे गयल बा, लेकिन हम काम रुके ना देनी, लेकिन बात यूनियन तक पहुँच गयल बा और मजदूर लोग काम करे से मना कर रहा बाड़न। मैडम जी अगर उनको कुछ पेमेंट हो जाए तब सब कुछ ठीक हो जाए। अगर काम रुक जाए तब बहुत दिक्कत हो जाए। देखी आप लोगन के समझाएं कि काम ना रुके के चाहिए। हम पैसा के इंतजाम करवावत नहीं। ठीक बा हम देख ले। अशु जी आप प्लीज खीर खा ली। हाँ रागनी, यहाँ साइट पे पेमेंट की वजह से काम रुकल बा, तू जैसे तैसे अनुराग जी से सिग्नेचर करवा ला। अरे मिस्टर जी, ये सब का करल बानी आप?
रागिनी हमके कुछ समझ में नहीं खियावत कि हम के बानी कि हमार पहचान का बा और लोग के साथ हमार रिश्ता का बा अपना आप के भी ना जाने ली तहार बतावल बात के हम सच माना तानी ऐसा जियल कोनो जियल बका मिस्टर जी का हो गेल आप ऐसा काहे बोल रहे बानी अरे हम जौन कहत आनी बिल्कुल सच कहत आनी हम क्या अपन पिछला जिंदगी की कोनो बात याद ही ना बा हमार सारा अपना लोग हमरा पास पड़े लेकिन हम केहू के पास नहीं की हम केहू की ना पहचाने ली केहू के ता छोड़ा हम अपना आप के ना पहचाने ली ऐसा जिंदगी जिए से अच्छा तबा केहू जिए ही ना ये देखा ये एल्बम देखा तारू ये हम बानी राइट अभी के बा हाँ ये हमार दोस्त बाड़े या दुश्मन बाड़े तो इनका नाम बता सके लुका बतावा के बा ये लोग बतावा नाम बतावा ना मिस्टर जी ये सब आपके यार दोस्त बाड़े वो सब छोड़ा ई बतावा ई के बा का बा नामे कर ई हमरा साथे ई फोटो में काहे खड़ा बा के भाई यू वो बाड़ी ना का नाम बतेले रनी आप हमरा के कुछ याद ना आप हमरा इनका नाम भी बतेले रनी याद ना आवता और जब नाम याद आए तो आपके बता दे अभी ना आप अपन दिमाग पे इतना जोर मत डाली हाँ अब अपने आप सब याद आ जाइए आपके झूठ मत बोला रागिनी हम ई जाने ली कि तू इनके नाम ना जाने लू लेकिन सवाल ई बा कि तू हमार बीवी बड़ू राइट तो फिर तू इनका नाम काहे ना जाने लू काहे ना जाने लू बतावा ना तहरा ता मालूम होके के चाहिए ना ही सबके बारे में ओ मिस्टर जी आप कुछ ना हमरा के बताए तब ना हमरा के पता चली जब भी हम आपसे पूछा था नहीं तो आप हमरा सीधा कहत रहने की पहले एक दूसरा के जान ली ओकर बाद सब कुछ यही से तो मतलब हमनी दोनों एक दूसरे के बारे में अच्छा तरह से तो जाने ली ना मिस्टर जी ओ मिस्टर जी आप बिना पता ना कहाँ के किस्सा लेके बैठल बड़ी आप इधर है यहाँ पर आराम करी डॉक्टर आराम करे के बोले पड़े ना आपके अब बैठी अब आपके तो खुश होके के चाहिए कि आप अपन घर पे बनी घर वालन के साथ बनी और घर वालन आप प्यार भी कितना करे ले प्रेम करे ले पर केहू हमार मदद काहे ना करेला हम के ही काहे नहीं के बतावत के हम बानी के अच्छा अच्छा पूछी आप का पूछे चाहे नहीं हम आपके जवाब दे पूछी तो फिर तू हमके ये बतावा कि हमार फेवरेट कलर कौन बा आपके फेवरेट कलर हाँ बोला आपके कोनो फेवरेट रंग है नहीं खे व्हाट फेवरेट कलर ना बा मतलब अब हमार मतलब बाकी सारा रंग ना आपके एकदम फेवरेट बा जैसे महीना हो के ना वैसे कपड़ा पहन लेते नहीं आप और सबसे बड़ा बात तो ये बाकी आप पे ना सारा रंग बहुत अच्छा लागेला और ये वाला भी देखी कितना अच्छा लग रहा है आप पे थैंक यू लेकिन तू वो सब छोड़ा तू हमके ही बतावा कि हमार फेवरेट मौसम कौन बा बारिश आपके ना बारिश बहुत अच्छा लागेला ये शायद तू सही कहता रू हमके भी कुछ ऐसे नहीं फील होखेला मानसून वो जब पता बा जम 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 बारिश होखेला ना तो आप एकदम एकदम मोर बन जाता नहीं एकदम नाचे कूदे लागे नहीं ओकरे जैसन अच्छा ये बतावा कि हमार बॉडी पे बर्थ मार्क्स कहाँ कहाँ बा बोला ना हमके सामने कुछ ना दिखाई दिया ओ आपके बॉडी पे निशान हाँ बा ना निशान बा कहाँ बा कंधा पे बा कंधा पे पीठ पे बा अब पीठ पे हम सच सच बतावा रागिनी ऐसा कौन पत्नी बा जेकरा आपन पति के शरीर पे बर्थ मार्क पता ना होके बतावा ना रागिनी हम कहाँ जाता रू रागिनी हम तोहरा से कुछ पूछा था नहीं हमके जवाब दा का हमनी के रिश्ता इतना करीब नहीं के मिस्टर जी हमनी के रिश्ता बहुत करीब बा लेकिन वो बॉडी के निशान ना हम ना जाने नहीं वो कब आना कि जब हम आपके इतना बड़बड़ आंख में देखी नहीं था
कोनो ऐसा मामला ना चल रहा बा, आई ना हम चेक ले वाइल रहनी। ओ चेक, अरे हम तो भूल ही गए रहनी। अरे मिस्टर जी, आप ही चेक पे आपन थोड़ा दस्तखत कर दी। अनुराग जी, फिलहाल 5 लाख रुपया चाहिए सीमेंट सप्लायर और मजदूरन के पेमेंट करी के बा। हमके तो अपन सिग्नेचर ना याद आवत बा, पता ना का होत बा हमरा साथे, हम खुद के यूजलेस फील करत नहीं। ऐसन बात मत कही, हम कौन और दूसरा तरीका निकाल ले। आप आराम करी रागनी, ध्यान रखा। मिस्टर जी, आप आइए आराम करिए, बैठी। कितना बार बोले बानी की दिमाग पे जोर मत डालल करिए आप। देखा रागिनी, हम ना जाने ली कि हमके हमार सिग्नेचर याद बा की ना, लेकिन सच बात तई बा कि हम आपन सिग्नेचर करे के कोशिश ही ना कई नहीं। लेकिन आप ऐसा काहे कहनी मिस्टर जी? नीचे अभी वो रेवती जी, आई मीन हमार माँ विशु और सृष्टि के अलग करे के बात करत रही। तू कह ले रन कि रेवती जी हमार माँ बाड़ी, राइट? अगर वो हमार माँ बाड़ी तो वो दोनों के अलग करे के बात कहे करत रही। एक मतलब ये बा कि या तो हमार माँ गलत बाड़ी या वो सृष्टि। अगर सृष्टि गलत बाड़ी तो ये पैसा ओकरा हाथ में ना जाए के चाहिए, खातिर हम सिग्नेचर करे की कोशिश ही ना की। अरे मिस्टर जी, अरे आपके अम्मा जी सृष्टि के सासू माँ भी तबाड़ी, अब सास और बहू को नाराजगी हो गई होगी। अरे आपके पता बा, हमार अम्मा जी ना रोज गुस्सा में हमरा घर से बाहर निकाले के बात करत रहली। अरे सास और बहू में इतना चलत रहेला, आप उतना मत सोची। तू झूठ कहा तारू, ये घर में कुछ ना कुछ गलत जरूर चलत बा, जोन तू हमके ना बतावे चाहता। रागिनी सच सच बतावा, ये घर में का होत बा? का रेवती जी हमार सौतेली माँ बाड़ी? न मिस्टर जी, वो आपके और देवर जी के सगी माँ बाड़ी, हमार विश्वास करी। तो फिर वो दोनों के अलग करे के बात काहे करत आ रही? अब मिस्टर जी, अब एक बात हम बहुत अच्छा से जाने नहीं, उस सासू मैया ना अपन दोनों बेटा से बहुत प्यार करेली, उनकर खुशी खाते ना वो कौनो भी हद तक जा सकेली। और बात अगर आपके भलाई के भई ना मिस्टर जी, तब हमरा भी ये घर से निकाल सकेली, लेकिन आपके बुरा ना वो कब होना चाहिए? देखा रागिनी, अपन बीतल जिंदगी में हम का केले बानी वो हम ना जाने ली, लेकिन हम अपन आज तहार कहल बात पे जियता नहीं। एंड आई होप कि तू हमरा से कुछ ना छुपाईबू और तू हमसे कभी झूठ ना बोल। अब ना बोलबू ना? अब मिस्टर जी, आप भी ना का फालतू के बात सोच रहल बानी, आपकी खातिर नहीं फालतू के बात सोचल बिल्कुल अच्छा नहीं। भूल गए नहीं का आप कि डॉक्टर आपके का कहले रहल? झूठ ना बोला, हमार तो जीवन ही झूठ पे चल रहा बा मिस्टर जी। एक बार आपके याददाश्त वापस आ जाए, सब झूठ वैसे भी खुल ही जाए। तो के ब्याज का बुझल बाई, पेटी बक्सा खुल्ले बड़वाई। आई तो साहरी बा, कितना सुंदर बा फुआ आई। ए फुआ, सुना ना, हमें ले ली, हम पे बहुते शोभ रहल बा। देखा ना, हरियर ब्लाउज भी बा हमरा पास, आई तो हम ले ले भाई। आई गुलाबिया साड़ी दिखावा ना, ये भी बहुत सुंदर लग रहल बा। तो क्यों पता बा दुलरिया, ये साड़ी ना अनुराग के बाबूजी दिल्ली से लाइल रहे। अनुराग के छठियारी पे पहनले रहली हम ये साड़ी। बाप, तब तक तू बड़ा सुंदर लागत हो कुपुआ। गांव वालन सबके तो आंख कान गिर गई हो के कि ना, है ना? अ तू शोभा बड़ा करत हो खूब। हम एक ही बार पहनले रहली ये साड़ी। हम सोचले रहनी कि जब हमार बहु रानी आई ना, ओकर बच्चा होके पर ये साड़ी ओकरा के देव। तू तो देख ही रहल बाड़ू बहु आवे के बाद। जायदा तू का सोच रहल बाड़ू,
निमन लगे बाकी हम पे भी। इस स्वेटर देख रहल बाड़ू दुलरिया, ना हम अनुराग के खातिर ओकरे पैदा होके से पहले आपन हाथ से बनौले रहली। अनुराग जे बा वो हमार पहला बच्चा रहल, लेकिन हमके ना तनी भर भी डर नहीं खे रहल। बस हम इंतजार में रहली कि कब वो हमार गोद में आ जाए। आज हमार अनुराग हमके ना पहचान रहल बा। हे दुर्गा मैया, एक ही विनती बा, हमरे अनुराग के जल्द से जल्द ठीक करता। एक तू ही तो बाड़ू दुलरिया जे हमार दुख समझ सकेलू। अगर आप अनुराग जी से इतना प्यार करेनी तब फिर ऐसन बात काहे करेनी। जेकरा से उनका तकलीफ और बढ़ जाए का मत बलबा तोहार। जे आप हमरा के और विशु जी के अलग करे की बात करत रही वो अनुराग जी सुन ले रहे।